आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साकिब आप बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं, हुमा से भी ज्यादा हॉट लग रहे हैं आप। मेरे दोनों भाइयों को नजर ना लगे। हम उसको बोलते थे अडॉप्टेड है, उसको उठा के लेके आए हैं। ये तो ये सारे भाई बहन बोलते हैं। अब आप देखो उसकी शक्ल और मेरी शक्ल, शक्ल मिलती है हमारी। बिल्कुल नहीं, मैं अपने पापा पे गया हूं। शॉपिंग में कौन ज्यादा खर्चे करता है? लग नहीं रहा कपड़े देख के। अर्चना मैम तो भी परमेश्वर की टी शर्ट पहन लेती हैं। एक्चुअली पहनती हूँ really? हाँ, और मजे की बात ये है वो भी इनका गाउन पहन के सो जाती है। आप भी पहनते हो? मैं झूठ नहीं बोलता, मैक्सी मैंने ट्राई की है। ये भाई बहन के बाद ये ऐसे कुछ और ही शो बनता जा रहा है। प्लीज वेलकम हुमा कुरैशी एंड साकिब सलीम। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साकिब आप बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं। थैंक यू भाई। हुमा से भी ज्यादा हॉट लग रहे हैं आप। मेरे दोनों भाइयों को नजर ना लगे। भाइयों बोल दिया। आइए दोनों भाइयों के साथ विराजमान हो जाइए। वैसे आप दोनों में से फायदा कौन उठाता है? हुमा थोड़ा सा मैं उठाती हूँ, थोड़ा सा मैं उठाती हूँ। पर आप बड़ी बहन है उसकी, राइट? हाँ। तो बड़ी बहन तो वैसे ही प्यार से छोटे भाई को वैसे ही गिफ्ट दे देती है। अरे ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई, चार बर्थडे चले गए पिछले, कुछ गिफ्ट नहीं मिला है। गिफ्ट क्या होता है यार, मोहब्बत प्यार कुछ होता है? नहीं होता है भाई बहन के रिश्ते में। वो करता ही होगा ना बाहर। बाहर करता है ना, बहन को नहीं करता वो। उमा वैसे आप बचपन से एक्टर बनना चाहती थी? बचपन से मतलब क्लियर था आपको कि मुझे एक्टर ही बनना है और कुछ है नहीं? हाँ, कुछ आते नहीं था। और बट इसने घर में झूठ बहुत बोले भाई। मैं बचपन में थोड़ा झूठ बोलती थी। थोड़ा बहुत काफी शातिर थी शुरू से आप। बट मेरे लिए आसान कर दिया ना, जब ये चली गई फिर मेरा भी मन हुआ। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि कभी कभी ऐसा बचपन में होता ना कि बड़ी बहन वैसी गई है बाहर, जा बेटा तू भी चले जा बहन के साथ। ऐसे ही हुआ था, घर वालों को यही लगा था। अच्छा, और घर वालों को लगा था कि मेरे को देखने आया, इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आया था ये। ये सच न्यूज है। वाह, मम्मी पापा तो को लग रहा है कि करना कोई जुर्म है क्या? नहीं, कोई जुर्म नहीं है। प्यार के लिए चीजें करनी चाहिए दुनिया में। बेटा कहाँ है तुम्हारा वो प्यार आजकल? वो अपने प्यार के साथ। अच्छा, पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी हुई थी, हुमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय पाजी के साथ। Fantastic. वाह। अच्छा अक्षय पाजी पहले ऐसे इंसान है, जब लॉकडाउन हुआ ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड भी वही के घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके सैनिटाइज करे, दूर रहे। और फिर बाद में अपनी शूटिंग डेट आ रही थी ना करीब, फिर एक ऐड शूट की थी, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात रखे, काम पे निकले। वाह, लव यू अक्षय पाजी, क्या बात है। तो बचपन में फिर आप खेलते क्या थे भाई बहन? ये मुझे मारता था बचपन में बहुत, एंड इसको डांट भी पड़ती थी बहुत। तो मैंने बना लिया कुछ टाइम बाद कि ना मैं मरने की एक्टिंग करूंगी। तो मुझे खूब मारा है, फिर मैं ऐसे लेट जाती थी कि मैं मर गई हूँ, मैं बोलती मैं मर गई, और फिर मैं ऐसे करती थी तो देर रोना। फिर मैं और रोने लगता था जब वापस जिंदा हो जाती थी, फिर मैं और रोने लगता था। फिर हम उसको बोलते थे अडॉप्टेड है, उसको उठा के लेके आए हैं। ये तो सारी बड़ी बहनों बड़ी बड़े भाइयों का सही है। अब आप देखो उसकी शक्ल और मेरी शक्ल, शक्ल मिलती है हमारी। बिल्कुल नहीं, मैं अपने पापा पे गया हूं। हर एक के अपने अपने खेल होते ना, जैसे इन्होंने बताया कि हम ये करते थे, अर्चना तो शुरू से अमीर थी, सारे इनके खिलौने होते थे घर। हमारा जो खेल होता था ना, हमारा सिचुएशन पे डिपेंड होता था। जैसे सुबह उठते मान लो चाय का गिलास टूट गया, तो अब छिपन छुपाई शुरू, हम छुपते थे, मम्मी ढूंढती थी, और जैसे हम मिल गए फिर मम्मी का क्रिकेट शुरू। पीठ पे ही आता था सर्दियों में, पटाक करके पांच उंगलियां छपी रहती थी। इसको क्या बोलते हैं, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। एक होता ना बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, हमारे खेल होते थे बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। दिनेश के खेल तो और भी मजेदार होते थे, बताने वाले नहीं है, छोड़ो पर। अच्छा एक सवाल अर्चना जी का है, वो ये कह रही कि नॉर्मली होता है घरों में जो भी बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो तो उसके कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो छोटे को पहनाते हैं। आपने कभी हुमा की फ्रॉक पहनी है? I have भाई मेरे छह साल उम्र के जितनी पहली की फोटो है ना, हाँ। उसमें मेरे पास मेरे कोई कपड़े नहीं है। फ्रॉकों में घूमा हूँ यार। But I have pictures of साकिब, मेरा घाघरा चोली पहन के बड़ा क्यूट लग रहा।
और ये तो चलो बचपन की बात है, जैसे अर्चना मैम तो अभी परमीत सर की टी शर्ट पहन लेती हैं। एक्चुअली पहनती हूँ really? हाँ। और मजे की बात ये है वो भी इनका गाउन पहन के सो जाती है। ये सच नहीं है। आप भी पहनते हो? हाँ, ये तो सरदार पहनता है किन्नी पर की? मैं एक एक बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, सलवार वगैरह मैक्सी मैंने ट्राई की है। ये भाई बहन के बाद ही ऐसे कुछ और ही शो बनता जा रहा है। एक बार इसको कॉलोनी के बच्चों ने नाली में गिरा दिया था, साइकिल पे जा रही थी, साइकिल पे, साइकिल ली थी, नहीं नहीं मुंह बंद कराओ यार, साइकिल ली थी, नहीं नहीं, और ना तभी वो साइड वाले पहिए हटाए थे। हाँ, अब बैलेंस करनी आ गई थी मगर पूरी तरीके से नहीं आई थी, तो चार पांच मवाली लड़के थे हमारी कॉलोनी के, वो गए ओ साइकिल 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 करते आए और नाली में गिर गई। अब मम्मी को टेंशन, बेटी खो गई है, बेटी मिल नहीं रही है, बेटी आधे घंटे से नाली में पड़ गई, रो रही है। आधे घंटे बाद हमें पाई हुमा। पता नहीं, मैं बताना नहीं चाहता वो कैसे दृश्य। वो नाली क्या थी, वो घर के आगे वाली नहीं थी, पीछे वाली नाली थी। बोलते कि दोनों भाई बहनों में से ऐसा कौन करता है, खराटे की आवाज किसकी ज्यादा आती है? वीडियो है, अगर मेरा फोन ला दूं तो वीडियो है मेरे पास। व्हाट रबिश, मेरे पास कम से कम नहीं तो 50 फोटो है हुमा की। मैं बताती हूं, डिफरेंट एयरपोर्ट्स, डिफरेंट हॉलिडे डेस्टिनेशंस, हुमा गाड़ी में बैठी है, सो रही है एयरपोर्ट पे। सर आप एक्टर हो, कभी कभी ना मुझे बताना पड़ता है कि आप एक्टर हो, आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके एक कुर्सी मिली उस पर पूरा चढ़ के ऐसे जाके सो जाएगी, कोई फोटो लेके, और कोई क्यों, भाई है सबसे ज्यादा फोटो है मेरे पास इसकी ऐसे। बेटा खराटे पूछे तो आई हैव अ हैबिट, मैं मुंह ऐसे खोल के सोती हूँ। और क्योंकि बहुत दफे हम लोग शूट के बाद सीधा फ्लाइट पकड़ते, तो अब मेरे को जान नहीं आती, मैं सो जाती हूँ। तो अब इसको ये नहीं कि मैं प्रिवेसी छोड़ दूँ, उसको जाके फोटो खींचता रहता है मेरी। तो प्रिवेसी चाहिए तो बेडरूम में जाके सो ना, एयरपोर्ट पे क्यों सो रहे हो? एयरपोर्ट पे कहाँ होते बेडरूम, तो फिर बेडरूम जाने का वेट करो। जाके रहो, क्या टेंशन है? मेरे को खुद ऐसी अजीब सी जगह पे बड़ी नींद आती है, कहीं पहाड़ में जा रहे हो और गाड़ी हिल रही हो, तो उसमें मेरे को मजा आता है। गाड़ी हिल रही है, हिल रही है। मेरे को तो फ्लाइट पे सोने में बड़ा मजा आता है, फ्लाइट गाड़ी आई ऑलवेज स्लीप, बहुत बोरिंग लगता है मेरे को। शॉपिंग में कौन ज्यादा खर्चे करता है? लग नहीं रहा कपड़े देख के। ये हीरे लगवा के आई है भाई कपड़ों पे। तू घर चल। गलती करके दूसरे पे इल्जाम कौन लगाता है या था? बचपन में मैंने किया है, बहुत बहुत किया है। बहुत ईमानदार है आप। हाँ, आप जैसे नेताओं की देश को सख्त जरूरत है। मेरे जैसे नेताओं की देश को नेताओं की जरूरत है। अच्छा ये ना, ये एक नई चीज है हमारे शो में, पहली बार हो रही है, तो अगर आप दोनों को मौका दिया जाए एक दूसरे का लाइफ पार्टनर ढूंढने में, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपने बताना ठीक है। आपसे पहले मैं पूछ रहा हूँ साकिब के लिए, हंसी मजाक करने वाली लड़की या सीरियस रहने वाली? सीरियस रहने वाली, एकदम बोरिंग। क्यों? अरे बहने दुश्मन है यार, क्या चाहती है? ओके, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हो या घूंघट में रहती हो? घूंघट में रहती हो। जिसकी आपके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो या साकिब के साथ? ऑब्वियसली मेरे साथ। एक मौका आपको भी दिया जाता है, आप कोशिश करते हैं भाई। आप कैसा लड़का पसंद करेंगे हुमा के लिए, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब वाला? गवर्नमेंट जॉब, वेस्पा हो उसका, उमा को आगे बिठा के ले जाए वो घुमाने। वेस्पा पे कौन आगे बिठा? हाँ, वेस्पा पे कौन आगे बिठाता है? वो अच्छा खड़े रह लेना, खड़े रह लेना। सोचो उमा हीरोइन खड़ी होके जॉइंट फैमिली में रहने वाला या अकेला रहने वाला? भाई अकेला ले जाओ, ले जल्दी से जाए। अरे वो जॉइंट फैमिली उसकी होगी। अच्छा हाँ सॉरी, मैं तो भूल गया। ये कुछ को काउंट कर रहे हैं, मैं भी दहेज में जाऊंगा। और पता पहले होता था ऐसे, जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। पहले ऐसा होता था, बहन की शादी होती थी तो भाई जाते थे, कई तो साल साल रह के आते थे, जिनको कोई काम नहीं होता था। ये बड़ी पर्सनल सी कहानी लग रही है। नहीं 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 नहीं, लड़का फ्लर्ट होना चाहिए के जोरू का गुलाम टाइप? मैसिव फ्लर्ट, खबरें छपनी चाहिए उसकी अखबार में भाई, खबरें। थोड़ा संस्कारी टाइप हो, वैसे ही शर्मीला हो, या पूरा डिस्को विस्को जाने वाला टाइप?
भाई अब फ्लर्ट करके संस्कारी कैसे हो पाएगा यार, इसको तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा टीवी देखने वाला लड़का या सिर्फ बीवी को ही देखते रहने वाला लड़का? टीवी पे दूसरों की बीवियां देखने वाला लड़का। इससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। ये भाई है मेरा, तू भाई नहीं कसाई है। सेट पे क्या हुआ? ग्रीन टी का वैसे, ये वैसे ही चिपकाया हुआ है अंदर चोरे। मुझे ना एक किस्सा याद आ गया अपना, जो दिनेश है ना बेस गिटार पे, तो इसके कजन है, तो ये लोग गए, ये लोग सब बियर वियर पी रहे थे, तो कहता ओपनर नहीं मिल रहा, ओपनर नहीं मिल रहा। तो वो कहता है पाजी मैं खोल दूं, इसका छोटा कजन। कहता है तू बियर पीता है? कहता नहीं पाजी मैं तो नहीं कभी पीता। उसने दांत से खोली ना तो झाग निकली, कहता। महकते रहिए खुशबू से। मेरे शब्दावली नहीं है, हर आदमी की अपनी एक डिक्शनरी होती है ना, कि जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो, महकते रहिए खुशबू की तरह। आप ये आप समझ रहे हैं मेरे लहजे में वो नहीं है, अल्फाज ओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.